वेलकम बैक नाजरीन, हम आ गए हैं ब्रेक पर से वापस। और जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि आज हमारे साथ एक गेस्ट भी होंगी, तो गेस्ट आपकी जानी पहचानी है, समीरा हमारे साथ हैं और उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो समीरा, कैसी हैं? हेलो सलाम, फाइन, हाउ अबाउट यू? या आई एम आल्सो फाइन। समीरा, लास्ट वीक हम लोगों ने बात करी थी जो है स्किन के हवाले से, ऑयली स्किन के हवाले से हम लोगों ने लास्ट वीक बात करी थी। आज समीरा हम लोग किस बारे में बात करेंगे, कुछ आप बताएं। वेल, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस स्किन पे जो काले धब्बे पड़ जाते हैं फेशियल पे और अदर बॉडी पार्ट्स पे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि उनकी कॉजेस क्या है और उसको हम हर्बल रेमेडी से कैसे क्योर कर सकते हैं घर पे मौजूद। सही, बहुत अच्छा समीरा ने टॉपिक जो है वो आज के लिए चूज़ किया। और अगर आज समीरा ये टॉपिक नहीं रखती तो ये सवाल मैं समीरा से खुद करती कि समीरा, ब्लेमिश स्किन के लिए हम लोग क्या करें, किस तरह से बचा जा सकता है ब्लेमिश स्किन से, क्योंकि ज़्यादातर खवातीन का ये मसला जो है दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके कुछ फैक्टर तो मेरे ख्याल से एजिंग फैक्टर भी होता है कुछ ना कुछ। इसके वही मैं डिस्कस करने वाली थी कि ब्लेमिशेस के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, एजिंग इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट आप लाइक यू नो हैरान होंगे सुन के कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो पानी हम यूज़ करते हैं उससे लेके कॉस्मेटिक लगाने तक, सब ब्लेमिशेस के कॉज पे ऐड करते हैं। अच्छा, तो जल्दी से कुछ रेमिडीज़ जो हैं वो बताना स्टार्ट कर दें और हमारे जो कॉलर्स हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं ताकि समीरा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हैं वो कलेक्ट करी जा सकें। हाँ जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेस, ब्लेमिशेस के कॉजेस क्या होते हैं। डिफरेंट लोगों में डिफरेंट रीजंस होते हैं, कभी कभी जो है ब्लेमिशेस एक्ने स्कार्स होते हैं कि कुछ लोगों को फ्रेकल्स पड़ जाते हैं, एक्ने पड़ जाते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट में जो है आपके मुंह पे काले धब्बे रह जाते हैं, ब्लेमिशेस रह जाते हैं। एक वजह तो ये हो गई, दूसरी वजह ये है एजिंग एंड देन प्रेगनेंसी, खून में किसी चीज़ की कमी से ब्लेमिशेस होते हैं, और थर्ड एंड लास्ट रीज़न इज़ द स्ट्रेस एंड सीबम, उसकी वजह से, एंड द कॉस्मेटिक्स। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, रोज़ आपके मुंह पे फाउंडेशन अप्लाई होता है या हार्श केमिकल अप्लाई होते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लेमिशेस आपके चेहरे पे पड़ सकते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि हर्बल सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट टिप क्या हो सकती है जो हर एक के घर में अवेलेबल हो, ऐसी कोई टिप बता दें कि जिससे फ़ायदा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बिल्कुल, मैं आज जो है तीन हर्बल रेमेडीज़ लेके आई हूँ फॉर ब्लेमिशेस, जो कि आसानी से घर में मौजूद चीज़ों से बन जाती है और तीनों जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। उसमें सबसे पहले जो सबसे ईजी जो है कि आप लेमन जूस और टमेटो जूस, ठीक है, टमाटर का रस और लेमन का रस, उसको मिक्स कीजिए और उसे 10 से 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लगा लीजिए। अच्छा, ये अमल आप डेली कीजिएगा। अच्छा अच्छा, समीरा आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, पहले हमारे साथ एक कॉल है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? राबिया बात कर रही हूँ, पहचाना आपने? जी मैंने पहचान लिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी हमारे आज के प्रोग्राम के बारे में? आपका आज का प्रोग्राम आपने अच्छा किया है, लेकिन ये तो लोगों को अक्सर हो जाता है कि ना पिंपल्स निकल आते हैं और कोई गर्म चीज़ें नहीं भी खाएं या कोई ठंडी चीज़ें खाएं, और रंग आजकल बहुत ज़्यादा इतना काला रंग हो रहा है कि आप इसके बारे में कुछ टिप बताएं मुझे या कुछ, और बाल भी इतने गिर रहे हैं इस मौसम में कि बाल इतने पतले से हो रहे हैं। मैं समीरा से बात करनी थी मुझे। जी समीरा यहाँ पे मौजूद है, आप इनसे बात कर सकती हैं, सुन रही हैं आपको? गानिया ना? जी गानिया, मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम सुन रही है। एक्चुअली समर जो है हर जो है बहुत सारी मुसीबतें साथ लेके आता है, स्किन हो, बाल हो या कुछ भी हो, स्वेटिंग हो। तो पिछले लास्ट दो तीन प्रोग्राम में जब मैं आ रही हूँ तो मैं आपको स्वेट के ऑयली और हर समर की रेमेडी दे रही हूँ। तो आज जो है अगर आप बात कर रही हैं कॉम्प्लेक्शन फेयर करने की, तो अगर आपको याद हो कि मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में आपको एक मिक्सचर बताया था दही और हल्दी का, ये सबसे इफेक्टिव रेमेडी है कॉम्प्लेक्शन फेयर करने की। गानिया, अगर आप रोज़ जो है दही में एक चुटकी हल्दी मिलाकर 10 से 15 मिनट लगाइए जब तक वो सूख जाए, और फिर उसको स्क्रब करते हुए पानी से धो लें, तो आप देखिएगा कि एक से दो हफ्ते में आपको फ़र्क नज़र आएगा अपने कॉम्प्लेक्शन में। और बालों के हवाले से बताइएगा। हाँ, बालों के हवाले से मैंने एक तेल का मिक्सचर, आपकी प्रॉब्लम बालों में क्या है, खुश्की है या फिर गिर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? बहुत बाल, दो मुके भी बहुत हो रहे हैं और गिर भी बहुत रहे हैं और बढ़ नहीं रहे हैं बाल। हाँ, तो इसके लिए आपको अगर याद होगा मैंने चार तेल का मिक्सचर बताया था। गानिया आपने ट्राई किया? वो मैंने तो सुना नहीं था, सॉरी मेरा प्रोग्राम। हाँ, नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं रिपीट कर देती हूँ ऑन एयर कि जो चार तेल का मिक्सचर था उसमें था आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। थैंक यू हानिया, आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और ये आपको ऑन एयर जो है बता रही हैं, आप इसकी रेमेडी जरूर सुनिए। हाँ जी गानिया, अब बाल लंबे करने, गिरने, खुश्की, सबके जो प्रॉब्लम है उसका एक ब्लेंड ऑफ ऑयल मैंने बताया था, वो था बादाम का तेल, आलमंड ऑयल,
कैस्टर ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल और नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। आप इन चारों ऑयल को इक्वल पार्ट में मिक्स कीजिए, एक बॉटल बना के रख लीजिए बेशक, और हर ऑल्टरनेट यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आप नहाने से 2 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले बालों में अच्छे से मसाज कर लीजिए, फिर आप अपने बाल धो लीजिए। इससे आपके बाल बढ़ेंगे, थिक भी होंगे क्योंकि इसमें कैस्टर ऑयल है जो बाल थिक करता है, सरसों का तेल है जो बढ़ने में मदद करता है, नारियल का तेल है जो आपके बाल को नरिश करता है। सो इट्स अ बेस्ट ऑयल। सो अगर आप ट्राई कीजिए और प्लीज़ कॉल करके फीडबैक दीजिए कि आपको ये इफेक्टिव रहा कि नहीं रहा। बिल्कुल, गानिया ने जो सवाल पूछा था और समीरा ने जो टिप बताई थी उसके बारे में, तो मैं भी गारंटी ले सकती हूँ क्योंकि ये पर्सनली समीरा मैंने यूज़ किया हुआ है और ये वाकई बहुत अच्छा वर्क करता है, स्पेशली सर्दियों में जब डैंड्रफ की शिकायत हो जाती है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप थोड़ा सा गर्म तेल कर लें, यही मिक्सचर जो है अगर गर्म कर लें तो वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो जो है बड़ा फायदा करता है। अच्छा, आप आते हैं कुछ अपनी रेसिपी की तरफ। ऑयल मैं पहले डाल लूं और उसके बाद मैं आपको बताती हूं थोड़ा सा रेसिपी की तरफ। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला है, आप देख रहे होंगे बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं हम अपने खानों में। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया कि हर घर की कुछ ना कुछ सिग्नेचर डिश होती है, और आज जो मैं सिग्नेचर डिश बनाने जा रही हूँ, ये मेरी एक रिलेटिव हैं हुमैरा आंटी, उनकी घर की ये सिग्नेचर डिश है। थैंक यू हुमैरा आंटी कि आपने मुझे इतनी अच्छी डिश जो है वो खिलाई, और आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ इस डिश को शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आप लोग भी इसे लाइक करेंगे और अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये मिक्सचर मौजूद है, और इस मिक्सचर में हमने धनिया, पुदीना और सोया, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने सेम क्वांटिटी की ले ली हैं, यानी एक एक गड्डी इन तीनों चीज़ों को ले लिया है। और इसके अलावा हमने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 6 से 8 अदद, ठीक है, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद ली हैं। और इसके अंदर हम जो है वो चिकन जो है वो डालेंगे। इस मिक्सचर को सबसे पहले हम पैन में डाल देते हैं क्योंकि पैन काफ़ी गर्म हो गया है। थोड़ी सी आंच को धीमा रखेंगे और जो बाकी का स्पाइस है उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। एक कॉल है हमारे साथ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं शायस्ता बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से, मैंने ब्यूटिशियन से बात करनी है। जी ब्यूटिशियन, बिल्कुल आपको सुन सकती हैं, आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, मेरा असल में मसला है कि फेस का कलर तो सही है लेकिन नेक जो है ना वो थोड़ा सा ना डार्क कलर में है, जब से बच्चे पैदा हुए हैं जब से ना, ठीक है, तो ये कि गर्मियों में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ये। अच्छा, तो ये कि हाँ जी जी जी, मुझे प्लीज आप ना, मैं फोन रखूंगी तो फिर बताइएगा, कोई रेमेडी बता दें जो घर में मैं। अच्छा, ये ब्लैकनिंग है, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपको परसिस्टेंट है यानी हमेशा से है या फिर होती है और खत्म हो जाती है? नहीं, मुझे गर्मियों में ज्यादा हो जाती है और सर्दियों में नॉर्मल हो जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, गर्मियों में इनकी स्किन ऑयली हो जाती होगी इस वजह से नहीं पड़ डार्कनिंग हो जाती है ना। मैं वही आपको अभी मैंने एक जो मिक्सचर बताया है लेमन जूस और टमेटो जूस का, वो डार्क स्किन डार्कनिंग की ही रेमेडी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, और मैं आपको दो और मिक्सचर बताऊंगी अभी शो के दरमियान, आप प्लीज नोट कीजिएगा, वो हर तरह के स्किन डार्कनिंग और ब्लेमिशेस के लिए इफेक्टिव है। ठीक है ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इसके अंदर लहसुन जो है वो डाला है, और लहसुन जो है वो अभी ग्रेजुअली जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी जो है और स्मूथ हुआ हुआ है लहसुन, तो उसको हम थोड़ा सा जो है कुचल लेंगे कुकिंग के दौरान ही। थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसी मसाले में, नमक हम इसमें आखिर में डालेंगे। मज़ीद मैं समीरा से सवाल करूँगी, समीरा आपने देखा होगा कि डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी पिगमेंटेशन स्किन पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसका क्या रीज़न है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, डार्क सर्कल्स यूजली जो इसकी होती हैं वो स्लीप डिप्रिवेशन होता है, अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो आपको डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, दैट्स द मोस्ट कॉमन कॉज। पर ये होता है कि अगर आप जिस तरह लेट सोए हैं फिर दूसरे दिन जो है आप जल्दी सो जाए, रूटीन वापस आ जाए, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। बट अगर आपके डार्क सर्कल्स तब भी नहीं जा रहे तो इसके मतलब है कि आपके खून में जो है किसी चीज़ की मोस्ट कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, या तो आपको इनहेरिटेंस, कुछ लोगों की फैमिली जीन्स में भी होता है डार्क। अच्छा अच्छा, समीरा आपकी बात को जो है वो मज़ीद कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक का टाइम आ गया है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मज़ीद समीरा से बातचीत करेंगे आफ्टर द ब्रेक।